हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट की एक और मोस्ट पॉपुलर कार। जी हम बात कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन की। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे इस कार के पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक भी करना ना भूलिएगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस कार के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इस कार का जो इंजन 1.2 लीटर रेवर्ट्रॉन इंजन के साथ आती है, जिसमें आपको टर्बो इंजन का ऑप्शन मिलता है। एंड इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है इंजन। तो जिन लोगों की डिमांड है अपने कार से पावर की, वो डेफिनेटली इस कार की तरफ जा सकते हैं। तीन ड्राइव मोड्स में आपको मिलते हैं, स्पोर्ट, सिटी एंड इको, जिसके हिसाब से इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। 113 bhp की पावर, 170 nm का टॉर्क इसका पेट्रोल इंजन निकाल के देता है, जो कि इस सेगमेंट के बाकी इंजन से ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें डिफरेंट इंजन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एंड ये इकलौती कार है जो 1.2 लीटर टर्बो इंजन के साथ आती है। बाकी सेगमेंट में आपको 1 लीटर टर्बो इंजन मिलेगा, इसीलिए जो पावर है वो इस कार में ज्यादा है। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो, जो अगर आपको सही में पावर देखनी है या सब में आप ड्राइव एंथुसियास्ट और आपको मजा लेना है अपनी ड्राइविंग का, तो आप इसके डीजल इंजन ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जो कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है। पेट्रोल इंजन से ज्यादा अगर आप बताऊं आपको, जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी वो इसके डीजल इंजन में मिलेगी। एंड जिन भी लोगों के पास टाटा नेक्सॉन डीजल है ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनको इस कार की परफॉर्मेंस कैसी लगती है। मेरे अकॉर्डिंग टाटा नेक्सॉन में जो डीजल इंजन है ना, इसका डीजल इंजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। अदरवाइज पेट्रोल इंजन भी सेगमेंट में से काफी अच्छी पावर निकाल के देता है। तो जिसको भी पावर की रिक्वायरमेंट है अपनी कार से, वो डेफिनेटली इस कार को कंसिडर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ इस कार में जो पॉजिटिव है, वो आता है इसका एक्सटीरियर लुक। मेरे को पता है कि वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, बात मैं एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों लुक्स की कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सब्जेक्टिव चॉइस है, बट मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इसका इस एक्सटीरियर और इंटीरियर पसंद आएगा। इंटीरियर काफ़ी अप टू डेट है, काफ़ी मॉडर्न लगता है, काफ़ी क्लासी लगता है। एंड देखने में लगता है यार कि ऑब्वियसली हर कोई यूज़र की एक अच्छा इंटीरियर, अच्छा एक्सटीरियर हर कोई यूज़र चाहता है अपनी कार से। एंड ये कार वो चीज़ आपको डिलीवर करती है, इसमें आपको बहुत अच्छा इंटीरियर मिलता है। एंड इसके अलावा एक्सटीरियर लुक भी कार का बहुत अच्छा है, तो ये भी एक मैं प्लस इसके पॉजिटिव पॉइंट में रखता हूँ इस पॉइंट को भी। एंड बात करें नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, जो इस कार में आपको मिलेगा, वो है इस कार की हैंडलिंग। हैंडलिंग इस कार की बहुत ज़बरदस्त है गाइस। इसका स्टीयरिंग फीडबैक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। स्टीयरिंग सिटीज में काफ़ी लाइट है, वहीं आप हाईवे में हाई स्पीड में स्टिफनेस आती है स्टीयरिंग में, थोड़ा स्टीयरिंग हार्ड होता है, जो आपको थोड़ी स्टेबिलिटी देता है। सो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो है इस कार का, वो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ, तो वो है इस कार का सीट कम्फर्ट। सीट कम्फर्ट्स के हिसाब से भी कार काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, काफ़ी कुशनी सीट्स है एंड काफ़ी कम्फर्टेबल सीट्स है। चाहे बात रियर सीट्स की करूँ चाहे फ्रंट सीट्स की करूँ, सीट्स कम्फर्ट कार में अच्छा है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो कार का सस्पेंशन भी बहुत अच्छा ट्यून है। कैसी भी रोड कंडीशंस हो, इवन रफ रोड कंडीशंस में भी आपको फील नहीं होता कि आप किसी खराब रोड्स में चल रहे हो। सस्पेंशन बहुत अच्छा ट्यून किया गया है, ना ज़्यादा सॉफ्ट साइड में है ना ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी अच्छा ट्यून किया गया सस्पेंशन इसका। एंड आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड मिलती है इस कार में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट अगर इस कार में आप देखोगे, तो वो है इसकी 209 mm की जो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। वो ग्राउंड क्लियरेंस ना आपके बहुत हेल्प आती है, अगर आप किसी ऐसी कंडीशंस में हो जहाँ पे रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, उस जगह पे जो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस ये कार ऑफर करती है, ये इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एंड वो आपको ग्राउंड क्लियरेंस बहुत हेल्प करती है खराब रोड कंडीशंस में चलने में। सो गाइस, बात करें नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स हम सबको पता है, वो है इस कार की बिल्ड क्वालिटी को लेके। स्ट्रक्चर क्वालिटी कार की बहुत अच्छी है। एंड आप जब भी इस कार में बैठोगे ना, आपको वो फील होगा कि आप किसी हैवी चीज़ में बैठे हो। डोर्स काफ़ी हैवी है, बोनट्स काफ़ी हैवी है, लगता है, फील होता है आपको कि आप किसी मजबूत गाड़ी में बैठे हो। तो स्ट्रक्चर क्वालिटी इस कार का एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एंड आई थिंक ये एक वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से लोग इस कार की तरफ जाते हैं, बिकॉज बहुत अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड ये करती है कार। एंड ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट ना इस कार का सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट, कि इस कार में आपको वो स्ट्रक्चर क्वालिटी मिलती है जो कि बाकी कंपटीशन में आपको नहीं मिलती है। तो गाइज, ये तो थे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं इस कार के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो नेगेटिव मैं बात करूँगा, वो रहेगा इस कार के NVH लेवल से। NVH लेवल कार में थोड़ा हाई है, बिकॉज 3-सिलेंडर इंजन ऑप्शन के साथ ये कार आती है, तो थोड़ा बहुत नॉइज़ एंड वाइब्रेशन है। कैबिन के अंदर कम है, बट कैबिन के बाहर आपको वो फील होता है।
तो नॉइज एंड वाइब्रेशन का थोड़ा बहुत इशू है, बट जिन जो लोगों के लिए फर्स्ट कार रहेगी उन लोगों को इतना ज्यादा फील नहीं होगा नॉइज एंड वाइब्रेशन। बट हाँ, जिन्होंने कभी पहले कोई फोर सिलेंडर इंजन कार चलाई है, जिन्होंने कोई ऐसी कार चलाई है जिसका इंजन बहुत ज्यादा रिफाइंड है, उस केस में उन लोगों को नॉइज एंड वाइब्रेशन का इशू पता हो सक चलेगा, बट जिन लोगों के लिए फर्स्ट कार रहेगी उनको इतना ज्यादा फील नहीं होगी ये चीज़। बट हाँ, नॉइज एंड वाइब्रेशन है कार में। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कार का जो गेयर बॉक्स है वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। बाकी ब्रांड्स में जितनी आपको स्मूथ गेयर बॉक्स मिलता है, नेक्सॉन के गेयर बॉक्स इतना स्मूथ नहीं है। आपको फील होता है कि कहीं कहीं आपके गेयर अटक रहे हैं, तो ये चीज़ है जो आपको नेक्सॉन के गेयर बॉक्स के साथ फील होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ जो मुझे फील होता है नेगेटिव इस कार में, वो है कार के फिट एंड फिनिश से रिलेटेड। फिट एंड फिनिश का इशू है कार में। पैनल गैप्स आपको इस कार में देखने को मिल जाते हैं, कई जगह आपको ये पैनल गैप्स देखने को मिलेंगे, तो एक फिट एंड फिनिश का इशू है इस कार में। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने रेस किया था, मुझे नहीं पता कि वो कितना सही है, बिकॉज मैंने वो फील किया है, मैंने देखा है कि जो पेंट क्वालिटी है कार्स की वो भी इतनी अप टू द मार्क नहीं है। पेंट में आपको उतनी फिनिशिंग नज़र नहीं आएगी, कहीं जगह आपको रफनेस दिखाई देगी पेंट में। मैंने जितने भी यूनिट्स देखे हैं अभी नेक्सॉन के, मैंने उसमें पर्सनली ये फील किया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे लगता है पर्सनली कि पेंट क्वालिटी जो है अभी इतनी बेटर नहीं है। पेंट वर्क जो करते हैं कंपनीज में वहाँ पे इतना ध्यान नहीं रखा जाता, और कहीं जगह आपको रफनेस दिखाई देगी कार के पेंट में। मैंने जितनी यूनिट्स देखा मुझे फील हुआ। अगर आप ओन कर रहे हो नेक्सॉन और आप नहीं एग्री करते मेरी बात से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मुझे फील हुआ कि थोड़ा पेंट क्वालिटी के साथ इशू है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं जो पहले भी कई लोगों ने रेस किया है कि जो इसका ए पिलर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है, स्पेशली जो लोग नए ड्राइवर हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है, बिकॉज थिकनेस ज़्यादा है। एंड बट वो थिकनेस जो है वो कहीं ना कहीं इसकी जो स्ट्रक्चर क्वालिटी है उसको और ज़्यादा मजबूती देती है, तो वो बट उसका एक ड्रॉबैक ये आ रहा है कि वो थोड़ा सा ना ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देता है आपके लिए, जो कि फील होता है अगर आप फर्स्ट टाइम ये गाड़ी चला रहे हो तो आपको फील होगा वो ब्लाइंड स्पॉट करेगा। बट वो ऐसी चीज़ है वो जो धीरे धीरे इस कार को चलाओगे आप यूज टू हो जाओगे उसके, बट इनिशियली वो पिलर आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है, ये श्योर है। एंड ये फैक्ट भी है कि ये इसका जो ए पिलर है वो वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है आपके लिए। गाइस, नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा माइलेज रिलेटेड है। जिन लोगों की रिक्वायरमेंट माइलेज ओरिएंटेड कार है उन लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बिकॉज इसकी जो सिटी माइलेज है वो आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती है। सिटी में जो कार की माइलेज है वो कहीं ना कहीं आपको 11-12, अगर आपके सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक कंडीशंस हाई है तो उस केस में आपको 10-12 के बीच में माइलेज निकाल के देती है सिटी में। ऑन द अदर हैंड हाईवे में माइलेज फिर भी आपको डिसेंट माइलेज निकाल के दे देती है कार। हाईवे में इसकी जो माइलेज आती है वो नियर अबाउट 19-20 के आसपास ही आपको निकाल के दे देती है, डिपेंड कि आप उसको किस तरीके से चला रहे हो। तो माइलेज एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अगर आप एक माइलेज ओरिएंटेड कार की डिमांड है आपकी, तो उस केस में आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो, बिकॉज माइलेज में थोड़ा सा इशू आपको फील होगा जिन लोगों को माइलेज चाहिए अपनी कार में, स्पेशली उन लोगों के लिए। सो गाइस, ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स है और पॉजिटिव पॉइंट्स है जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। आप लोग अगर इन पॉइंट्स से एग्री करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाई हो, एंड आई होप मैंने आपके जितने भी मेरे को लगते थे जितने भी पॉइंट्स इस कार के बारे में वो मैंने इस वीडियो में बताए, एंड आई होप कि आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर पाए वो पॉइंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड इस वीडियो में गाइस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।